नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से। अभी अभी एक विवाहिता ने, ये आप देख सकते हैं, सोनिया नाम की महिला है जिन्होंने ट्रेन से कटकर अपनी जान दे दी है। ट्रेन से कटकर उनके कई हिस्से हो चुके हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के मर्चरी हाउस की तस्वीरें हैं जहां पर सोनिया के कटे हुए हिस्सों को, यानी कि जो उसका शव है उसके अलग अलग हिस्सों को रेलवे ट्रैक से उठाकर करनाल के मर्चरी हाउस में लाया गया। और आप देख सकते हैं सोनिया की बुआ है जो यहाँ पर रोती हुई नजर आ रही है। गाँव पिंगली की सोनिया रहने वाली थी और इंद्री के गाँव में उन्होंने शादी की थी, यानी कि उनकी शादी करवाई गई थी परिवार वालों द्वारा। लेकिन वो कहा जाता है ना कि शारीरिक प्रताड़ना से ज्यादा मानसिक प्रताड़ना बहुत ज्यादा हावी हो जाती है किसी इंसान के ऊपर। आप देख सकते हैं उनके भाई भी हैं, सोनिया के भाई भी हैं, जिनका कहना यह है कि काफी ज्यादा प्रताड़ित उन्हें किया जा रहा है। जी, क्या नाम है आपका? मैम रजत है नाम मेरा। सोनिया नाम है मैम इसको। कहाँ पर शादी हुई थी? शादी इस्लाम नगर हुई मैम। क्या उम्र थी इनकी? इसकी लगभग 22-23 साल उम्र थी मैम। 22-23 साल है। साल शादी को हो गए लगभग जी 2014 में शादी हुई थी। सुसाइड कैसे किया है? देवर ज्यादा टॉर्चर कर रहा है जी, बार बार मैं उसको डोरे डालता है, अगर मेरे साथ आ जाए मेरे साथ आ जाए, संबंध बनाने की कोशिश करता है जी। तो उसको मैम उसको बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसको उन्होंने सुसाइड कर लिया मैम। रेल का रेल के ट्रेन के आगे किया जी मैम। कब की बात है? अभी 1:30 बजे की बात है मैम। आज दोपहर को? हाँ जी। ससुराल से आई थी मैम। मैम मैं परसों छोड़ कर आया उसको, भाई समझा समझो के। हाँ जी मैम, पहले अपने घर आ रही थी वो। कितने दिन हो गए? 3 दिन हो गए जी। तो मैम उसको घर वाला बोल लिया अगवा छोड़ा उसको, तो मैम उसको मैं छोड़ गया। तो उसको समझाने के बाद आया मैं तो उसके आज आगे वहाँ से जी वो LED उसका जी मैं 16,000 की LED दिखा अभी खुश रहे, कोई बात नहीं। पति भी यहीं पर है? हाँ जी पति है। अजय नाम है जी मेरा, जो कि सोनिया के भाई हैं। और पति भी देखिए सोनिया के यहीं पर मौजूद हैं। ससुराल पक्ष के भी काफी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप सोनिया के पति हैं? क्या नाम है आपका? अंकुश है। क्या काम करते हैं आप? सुनाई गई पत्नी की डेथ हुई आपकी अभी? हाँ जी। मेरे को मैम कुछ नहीं पता जी, मैं काम पे। क्या पता है आपको? वो जी वहाँ पे गई थी खेड़ा सेंटर के लिए चाबी स्कूटी की लेके जी, मेरे हाथ से सुबह जी खाना पका के दिया मेरे को जी। मैंने परसों जी LCD के लिए बोल रही थी, मैंने 19,000 रुपए की LCD भी लगवाई इसके लिए। आगे जी कुछ बात नहीं हुई जी। वो कह रहे हैं कि मायके वालों ने दी है LCD, आप लोग शायद मांग कर रहे होंगे। मांग मैंने पूछ ले, मेरे खाते से पैसे निकले हुए हैं जी। रहने वाले कहाँ के हो आप? गांव इस्लाम नगर का जी, इंद्री से LCD मैंने दी। आपके खाते में उन्होंने पैसे भेजे हैं? किसके जी? 19,000 रुपए LCD के? नहीं जी, मेरे पे खुद। मुझे ये बताइए कि मामला क्या था, आप लोग प्रताड़ित कर रहे थे? हाँ जी। सोनिया को परेशान किया हुआ था? परेशान तो मैंने कभी किया नहीं, नौकरी पे भी थी। कितने बच्चे हैं आपके? एक गुड़िया जी, 4-5 का गुजर गई। तीनों के गुजरी है? कितनी? तीनों को जी मिन के गुजरे जी। तीनों गुड़िया ही थी? हाँ जी। तो लड़का के लिए भी तंग किया जा रहा था, दबाव बनाया जा रहा था कि बेटा पैदा करो? नहीं जी, बेटे के लिए तो बोले ही नहीं कभी उसको। देवर के साथ संबंध बनाने के लिए भी लगातार उसको तंग किया जा रहा था और जोर दिया जा रहा था? नहीं जी। कौन है आपके भाई? सब झूठ है। कौन है आपके भाई? हाँ जी। आपके भाई कौन है? भाई ये खड़े जी। आप कर रहे थे परेशान सोनिया को? नहीं नहीं, मैं आपके ऊपर सच्चे ताऊ का लड़का हूँ। आप ताऊ के लड़के? चचेरे भाई हैं। हाँ जी हाँ जी। क्या नाम है आपका? भीम सिंह जी। क्या हुआ आज? हाँ जी, सोनिया ट्रेन के नीचे आई है, उन्होंने जान दे दी है अपनी, और बताया ये जा रहा है एक सुसाइड नोट भी लिख कर गई है बकायदा। बस नहीं जी, ऐसा तो पता नहीं जी। कुछ नहीं पता। एक बार सुसाइड नोट के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। सोनिया के भाई यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आप भी सोनिया के भाई हैं? क्या नाम है भाई आपका? रजत है मैम। रजत, कोई सुसाइड नोट भी बहन आपकी लिख कर लिखा है जी, वो पुलिस के पास है मैम, उसके बारे में मेरे को नहीं पता है। पता सुसाइड नोट मैम घर वाले नाम लिखे जा रही है वो, वैसे जो प्रशासन के पास है मैम उसके पास लिखा है। इसका नाम अंकुश नाम है जी। क्या लिख के गई है? तो मैम उसमें पुलिस वाला दिखा नहीं, पुलिस वाले के पास है मैम वो, तो उसमें जो मैं कुछ कह नहीं सकता, दिखा नहीं मरते जी, वो बताएगा भाई जो क्या करना है। वो तो आने वाले जी, जो हम चाहते जी सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कौन
कौन सी रेलवे ट्रैक है ये? जी ये नहीं पता जी, मैं कौन सी रहेगा? ये आप देख सकते हैं परिवार की तमाम महिलाएं भी मौजूद हैं, परिवार की तमाम महिलाएं भी मौजूद हैं जो इस वक्त रोती बिलखती हुई आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। आप कौन लगती हैं सोनिया की? जी मैं सिस्टर हो रही हूँ। 4 महीने हो गए जी, इस कलेश ना हो रहा था जी। 4 महीने हाँ जी, रियल सिस्टर क्या हो रहा था जी? 4 महीने हो गए जी, वो है ना मतलब उसका देवर देखा दुखा करा थे, उन्होंने फोन कर कर समझा दिया जी भाई तो अपना घर बसा और भाई के कहा करा नहीं भाई इन ऐसे ऐसे काम भाई मैं तो तेरी भाभी समान तो जी वो तो काट दिया और गलत सलत है नहीं जी रिकॉर्डिंग कर कर सारे कुंडे में सुना दी जी उन्हें। मैं तो यही चाहूँ जी मेरी बहन नंबर देख बेचारी वो तो वहाँ जा ली जी, कहना उसको इंसाफ दुआओ जी बस। हाँ जी इंसाफ ही चाहती हूँ जी। मैं गई है यहाँ से। हाँ जी परसों आनी हो, मतलब लड़की को छोड़ आई थी जी, वो टेंशन में तो छोटी है गुड़िया इतनी से 6-7 साल की। 6-7 साल की, 10 साल ही बता रहे हैं अभी। हाँ जी 10 साल हो जी। आप माँ हैं सोनिया की? क्या नाम है आपका? कमलेश है। परेशान थी आपकी बेटी? हाँ जी। किन किन बातों को लेके परेशान किया जा रहा है? बस ऐसे ही कभी कहीं का कलेश, कभी कहीं का कलेश, कभी देवर के साथ संबंध बनाने के लिए कुछ कभी कुछ बहुत ही हो तो बोलना थे जी वो अनुकार इसका लड़का नहीं है अभी इसके नाम का भाई इनके कौन वही कहवा थे भाई लड़का हो जाएगा ये मतलब गलत देवर के साथ संबंध बना लीजिए और लड़का हो जाएगा। हाँ जी ऐसे ऐसी मतलब वो निकमा थे जी मतलब जो झूठ मला रहे थे जी वो मतलब आशा वर्कर थी जी पूरे गाँव में पूछ लिया भाई लड़की। हाँ जी सरकारी थी जी वो तो दुनिया की उसकी पूरी सेवा पप खड़ी थी जी वो तो कोरोना में भी निकाल घर आ गई जी। हाँ जी वो टेंशन में मर गई जी इनकी रोज के रोज कब्जी का बड़ा। बीच में उन्होंने कहा कि मैं अपनी जान दे दूंगी, कभी बीच में सोनिया ने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं कहा जी बीच में कुछ भी। परसों छोड़ गए उनको, परसों एलईडी दुआ के फिर घर छोड़ गए भैया, टेंशन खत्म हो जा भैया, एलईडी के बहाना लगी रहेगी बस आज ये पता लगा। एलईडी आप लोगों ने दिलवाई है? पति तो कह रहे हैं मैंने 19,000 दिए थे एलईडी, भाई दिला के लाया है ये रहे भाई। कुछ घर वाले डाल रहे हैं कुछ पति ने दिला के तो दोनों दवाई बोलते हैं। एलईडी का मामला क्या था, कहां से ये शुरू हुई बात? एलईडी का मामला ये था मैम, जो भाई ये जिसे टेंशन रहती है इसके देवर इसको टॉर्चर करता था तो भाई तो कोई बात नहीं उसको बात छोड़ दो आप, उसको समझ नहीं हुई तो उसको ऐसे बोलते हैं वो अगर भाई मैं एलईडी दिलाता हूँ ठीक ठाक रहेगी जैसे टीवी में ध्यान होता है तो उसके बाद ही इसको ज्यादा टेंशन हो गई तो उसको ये मरने का कमा रही थी। हाँ जी आशा वर्कर थे गांव के जी, आशा वर्कर थी पूरे गांव। हाँ जी पूरे गांव के आशा वर्कर थे जी, कमा रही थी खा रही थी वो। कितने साल पहले हुई थी शादी? शादी 2014 में हुई थी मैम। बहन खो दी आज? हाँ जी बहन खो दी है, भाई ने बहन खो दी है, माँ ने बेटी खो दी है और ऐसा कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे बहुत सारे मामले हैं लेकिन बड़ी ही शर्म की बात है, बड़ी शर्म की बात है कि आज भी विवाहिताओं को इस तरीके से अपनी जान दे देनी पड़ती है। तारीख का बर्थडे था मैम उसका, अभी बर्थडे भी था जी 2/8 को, 2/8 तारीख को मनाया था जन्मदिन? नहीं मैम हमने नहीं मनाया था क्योंकि उसके दिक्कत प्रॉब्लम हो रहा था। आप दोनों भाई हैं, एक बहन अपने भाइयों से बहुत कुछ कहती है, अपना दर्द बयां करती है। वो तो बोल रहे थे कि आप रखड़ी पे आएंगे हम आपको, नहीं नहीं रखड़ी पे आने वाले हैं। हाँ जी क्या करें मैम, हमारी बहन चली गई, उनको बेचारी बोलती थी आधी बात लोग हो जाती थी अगर भैया मैं ठीक हूँ भैया मैं ठीक हूँ, फिर भी मैम ऐसी परसों बताया मुझे मैं चले गया टिप्स को ठीक ठाक है कोई बात नहीं, इंसान चाहते हैं मैम जिसकी बेटी या जिसकी वो थी या जो लड़की किसकी थी बोल रहे कौन था उसका भाई बोल रहे है ना, लड़की का जिसकी लड़की है, जिसकी लड़की है लड़की सुसाइड नोट लिख के जा रही है, ये बोझी का ये लड़की का फूफा लगा लड़के का फूफा है 3 साल की लड़की का बिल देना, ये इसने पाली बस्सी है जी, 3 साल की जिंदगी ना साथ करी किसी ने साथ करी नहीं, इसने मारने वास्ते दी थी सर यू में इसने मारी, फिर इसने मारने वास्ते दी थी यार सुन तो ले अरे सुन तो जी मैं सुन तो जो इतना पर कर वाले नहीं मामलों में ये लोग लड़ रहे हैं लेकिन बात ये है कि एक विवाहिता ने ट्रेन से कट के अपनी जान दे दी और शरीर के काफी हिस्से हो गए। मेरी आप सभी लोगों से यही अपील की जो भी लोग इस खबर को इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं आई एम 24, मैं हूं महक शर्मा हरियाणा के करनाल से आप सभी के साथ लाइव, धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।